फिर ये जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं और 12वीं की ज़मीन भी जुआ में हार गए थे। फिर मुझे भी दोस्तों दाए पे लगा दिया, मतलब कि ये अब तुम इसे मतलब हाथ की उंगली तोड़ दी, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, मुझे बहुत मारा। मैं बता नहीं सकती, मैं वो तो कोर्ट में ही बताऊँगी। कहते हैं जुए की गहरी खाई में इंसान की आत्मा भी खो जाती है, लेकिन क्या कभी सुना है कि जुए की लत ने इंसानियत की ऐसी धज्जियां उड़ाई हो कि एक पति अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा दे। यूपी के रामपुर से एक ऐसा ही दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को ही जुए में दांव पर लगा दिया। मेरे साथ मेरी मतलब सन 2013 में मेरी शादी हुई थी 6 जुलाई को, और मेरे ससुराल वाले, मेरे मतलब ससुर और मेरे पति दहेज के बारे में मुझे बहुत पीड़ित किया था। उन्होंने मारा तोड़ा, बहुत बदतमीजी की थी मेरे साथ में। फिर ये जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं और 12वीं की ज़मीन भी जुआ में हार गए थे ये, और मेरी चीज़ इतना जेवर था वो भी हार गए थे। और फिर मुझे भी इन्होंने जुआ के मतलब उस पर नगदासी थी वो भी इन्होंने हार ली। फिर मुझे भी दोस्तों दाए पे लगा दिया, मतलब कि ये अब तुम इसे मतलब 3 बच्चों की माँ, एक पत्नी और एक स्त्री जिसने अपने पति के लिए अपना घर छोड़ दिया। उसका आरोप है कि इसे पहले तो दहेज के लिए सताया गया, मारा गया, पीटा गया और जब उससे भी बात नहीं बनी तो पत्नी को ही जुए में दांव पर लगा दिया। महिला का आरोप है कि उसका पति न केवल उसकी 12 बीघा जमीन जुए में हार गया बल्कि शादी में मिले जेवर भी बेच डाले। सुबह होते मेरी माँ गई थी मेरे पास मेरे देखने के लिए, फिर आने नहीं दे रहा था। मेरी माँ ने कही थी चलो दवाई दिलवा दो इसे, बहुत वो मेरी आवाज़ नहीं निकल रहा, सारे इतना बुरे तरीके से मुझे मारा तो मेरी हालत बहुत डाउन कर दी, मुझे पानी तक नहीं ले रहा था। और इसके दोस्तों ने ये 4 लोग वहाँ पे भी थे और मेरी बहुत बुरी तरीके से वो करी है। फिर मैं यहाँ आ गई थी अपने मायके में। महिला का आरोप है कि इन सब के बाद वो मायके चली गई, लेकिन पति वहाँ भी पहुँच गया। पति ने उसके साथ न केवल बुरा व्यवहार किया बल्कि उसके साथ मारपीट भी की, उसकी उंगलियां तोड़ दी, कपड़े फाड़ दिए और हद तो तब हो गई जब उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी को बेइज्जत कर डाला। क्या इंसान की परिभाषा को इतनी पूरी तरह से बदल सकता है? अपने दोस्तों के साथ मेरे मायके में आ गया, मायके में आने के बाद में मैं खाना खा रही थी, मेरे हाथ की उंगली तोड़ दी, हाथ की उंगली तोड़ दी, खींच के ले गया मुझे, हाँ के चल घर पे खाना खाना या नहीं खाना। फिर हाथ की उंगली तोड़ दी, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, मुझे बहुत मारा। इसके दोस्त भी आ गए, दोस्तों ने भी मेरी बेइज्जती करनी चाहा, तब तक मैं क्या परी, मेरे पास पड़ोसी सारे लोग आ गए, फिर ये भाग गए यहाँ से। महिला 3 बच्चों की माँ है और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। अब इस महिला ने पुलिस अधीक्षक से इंसाफ की गुहार लगाई है, पुलिस ने FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बहुत बदमाशी दिखाते हैं नंबर, ये मतलब इसके साथ के हैं, ये तो बहुत ही बदतमीज हैं, ये सारे लोग ऐसे ही हैं और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं इन बच्चों का भविष्य चाहती हूँ, अपने बारे में भी सोचती हूँ, कैसे भी मुझे जो कुछ बचा है इसके पास मेरे बच्चों के लिए देखें, कुछ कर पाएँ। और मैं चाहती हूँ सर इसके साथ वालों को और इनको भी कार्रवाई हो की जाए। मेरा तो यही दिल मेरा बहुत पका लिया, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, कुछ सब मेरे साथ ऐसी हरकतें करी हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं वो तो कोर्ट में ही बताऊँगी। जज साहब के लिए मेरी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बस मेरा कार्रवाई का आगे को बढ़ा ही दी जाए। सुनवाई के दौरान थाना क्षेत्र सैफनी से एक महिला आई थी जिसके द्वारा बताया गया कि उसका पति उसके ऊपर अत्याचार करता है, फिर घर की खेती बेच दिया है, साथ ही साथ जुआ इत्यादि भी खेलता है और मारपीट भी करता है। तो उसके द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है और निष्पक्ष रूप से भी विचना की जाएगी।